राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर व मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव दीपक मंगला ने गांव थंत्री में 2,89,00,000 की लागत से बनने वाले पेंटून ब्रिज थंत्री के निर्माण कार्य का शुभारम्भ किया। इस अवसर पर पलवल के उपमंडल अधिकारी SK चहल व लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता अशोक कुमार भी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि खादर क्षेत्र में इस पेंटून पुल की बीते लंबे समय से मांग की जा रही थी। दर्जनों कामों को राहत होगी और एक साल में इस पेंटून पुल का समय लगेगा। इस एक साल के समय में ये पेंटून पुल बनकर के तैयार होगा। इसकी समय सीमा भी हमने निश्चित की है और यह पेंटून पुल बहुत पुरानी हमारे खादर के गांवों की बहुत पुरानी मांग थी और जिसको आज आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के से आज हमारी मांग पूरी हुई है और जिससे निश्चित तौर पर और आप देख भी रहे हो इस पेंटून पुल के निर्माण से हमारे गांवों में कितनी खुशी और ग्रामीण लोगों में कितना उत्साह का भी माहौल बना। जैसे पिछली सरकारों में प्लाटून पुल का ठेका छोड़ा गया था और नहीं बना था, अगर आपका ठेकेदार ऐसा करता है तो आप उसके खिलाफ क्या कर रहे हो? इस सरकार के नेता, इस सरकार के हमारे मुख्यमंत्री लोग कहते हैं वो सब करते हैं तो निश्चित तौर पर जो रहा है वो बनेगा। यहाँ तुरंत निर्माण कार्य शुरू आज हो गया और आज का इसका शिलान्यास भी हमारे माननीय केंद्र सरकार में मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी के करकंडों द्वारा हो गया और आप देख भी रहे हैं उत्साह का भी माहौल है। देखिए अब तो खनन का ठेका छूटा हुआ है, अब तो ठेकेदार यहाँ पर काम कर रहे हैं। ये गुजरे हुए जमाने की बात है जो अवैध खनन होता था, अब तो सरकार ने लीज दी हुई है और तो कॉन्ट्रैक्ट है वही काम कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर इस तरह की कोई शिकायतें अवैध खनन की आएगी तो सरकार निश्चित तौर पर कार्रवाई करेगी।